झारखंड विधानसभा चुनाव में पांचवें और आखिरी चरण के चुनाव में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चरण की 16 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। पांचवें चरण में कुल 29 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 16 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 40,05,287 है और इसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 19,55,336 और पुरुष वोटरों की संख्या 20,49,921 है। कल मतदान है, लिहाजा मतदान कर्मियों को बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। संथाल के सभी 16 सीटों पर 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। अभी हम साहेबगंज में हैं और साहेबगंज जिले में राजमहल, बोरियो और बरहेट में भी 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतदान कर्मचारियों को साहेबगंज जिले से रवाना किया जा रहा है ईवीएम और मशीन लेकर। आप देखिएगा, ये तस्वीर है और ये साहेबगंज के जो जिले की जो तीनों जो विधानसभा हैं, राजमहल, बरहेट और बोरियो, इन तीनों विधानसभा के लिए मतदान कर्मचारियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उन्हें ईवीएम मशीन दिया जा रहा है और यहाँ जो मतदान कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राजमहल विधानसभा। आप लोग राजमहल मंडी, तीनों एक ही बूथ के हैं। एक ही बूथ के हैं। हाँ। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं? बैलेट पेपर, बैलेट, ये CU लिए हैं, BU लिए हैं, फिर VVPAT है और डबल CU है, यहाँ पर डबल है। वहाँ पर कहाँ आप लोग का ड्यूटी पड़ा है? मंडी में। जी, कैसा इलाका है? इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग तो दूसरे जगह से नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे दिया तो वहाँ जा रहे हैं। उत्साहित है? बहुत उत्साहित है सरकार। आप लोग उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है, ड्यूटी करने में हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आप? जी जी, पूरे उत्साहित हैं और निष्पक्ष मतदान हो। देखिए, ये ईवीएम मशीन है और ये मशीन लेके जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम मशीन है, काफ़ी उत्साहित हैं जो मतदान कर्मचारी हैं कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराना है। इन्हें पहले से ही कई बातों की ट्रेनिंग दी गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल राजमहल। उत्साहित हैं? एकदम उत्साहित है, बढ़िया से करा के लाएंगे और साहेबगंज जिला का नाम बढ़ाएंगे। चलिए, तो ये मतदान कर्मचारी ने कहना है कि जो इन्हें काम सौंपा गया है, जो इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, वो काम बढ़िया से करेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में इनकी काफ़ी भागीदारी होती है। और ये आज यहाँ से सभी मतदान कर्मचारियों को राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा के लिए। जी, और दुमका में भी कल 20 तारीख को पांचवें चरण में चुनाव होना है और इसे लेकर आज मतदान कर्मियों को बूथों तक रवाना किया जा रहा है। हमारे सहयोगी निलय वहां से जुड़े हुए हैं। निलय, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? हालांकि कल 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी देखिए, अब यहाँ से दुमका एयरपोर्ट में इस पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए पोलिंग पार्टी पूरी तैयार है और उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सुदूर है जिसमें थोड़ी सी भी खतरे की बात है वहां के लिए ये रवाना हो रहे हैं, जिसमें कि काठी कुंड, दलदली और शिकारी पाड़ा के ये बूथ हैं जो उन विधानसभा क्षेत्रों के। और इसके लिए देखिए यहां पे एयरफोर्स की एक हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पे इनको लेने के लिए आया हुआ है और उन्हें मतदान कर्मियों को अपने सारे जितने भी सामान हैं, उनके EVM हैं और VVPAT हैं, उनके साथ उन्हें यहाँ पे रवाना किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन संतोष जी के माध्यम से कि एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का, वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर आए हुए हैं और एक हेलीकॉप्टर सभी ने भेजा जा चुका है, दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वो इसमें जा रहे हैं और जितने भी मतदान कर्मी हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। अगर पिछले 4 चरणों के चुनाव की बात की जाए तो अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, इसीलिए पूरी कोताही बरती जा रही है, पूरी तरीके से उन्हें सावधानी बरती जा रही है क्योंकि सड़क मार्ग से कई बार कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, खतरा उत्पन्न होता है। तो इस बार
हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं जो नक्सल से भी प्रभावित हैं उन्हें मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है ताकि कोई परेशानी ना हो और सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी हैं वो वहाँ पे अब बैठ रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स का जो ये हेलीकॉप्टर है उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ेगा, उनके जहाँ पे उन्हें भेजा जाएगा वहाँ पे छोड़ेगा। और कुल 45 की संख्या है दुमका विधानसभा। अगर चार चरणों की बात करें तो अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, ये एक संतोषजनक बात है। और सुरक्षा के भी हम उम्मीद करते हैं कि जा रहे हैं सभी मतदान कर्मियों को सुरक्षित तरीके से बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। निलय आप हमारे साथ बने रहे, फिलहाल सोहन के का रुख करते हैं। सोहन भी हमारे साथ साहेबगंज से जुड़े हुए हैं। सोहन, अगर साहेबगंज में बात करें तो किस तरीके की तैयारियां चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है, हालांकि आखिरी चरण में अब चुनाव होना है। देखिए साहेबगंज के जो तीन विधानसभा सीट हैं, राजमहल, बोरियो और बरहेट, इन तीनों विधानसभा पर 20 दिसंबर को यानी कल वहां पर वोटिंग की जाएगी और इन तीनों विधानसभा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और लगभग कुछ दिन पहले से ही जितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सभी मतदान केंद्रों पर जो फोर्सेस हैं उनको वहाँ पर भेज दिया गया था और लॉन्ग पेट्रोलिंग की जा रही है, जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है, सड़कों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं फैलाए, अगर कोई भी गड़बड़ी फैलाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा जो 140 कंपनी जो फोर्सेस झारखंड में भेजे गए थे, अतिरिक्त उन 140 कंपनी को संथाल प्रगना के सभी मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। इसमें BSF है, IRB है, CRPF, कोबरा सभी को लगाया गया है और इसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस के जो जवान है 60,000 और जो पहले से जो CRPF की जो कंपनी यहाँ पर लगभग 80 कंपनी है उन 80 कंपनी को भी लगाया गया। तो सुरक्षा का पक्का वहाँ पर व्यवस्था किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। और आखिरी चरण है, चुनाव आयोग और झारखंड पुलिस निश्चित तौर पर चाहेगी कि बिना कोई गड़बड़ी के चुनाव संपन्न हो जाए, इसलिए कि जो चार चरणों में जो छिटपुट जो घटनाएं हुई थी तो कहीं ना कहीं उसे पुलिस ने सबक लिया है कि संथाल के जो सभी 16 सीटों पर जो चुनाव होंगे वो बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो जाए और पुख्ता व्यवस्था किया गया। अभी हम साहेबगंज के DC कार्यालय में है जहाँ पर मतदान कर्मियों को EVM और VPAT मशीन लेकर यहाँ से रवाना किया रहा है। आप कहना चाहेंगे कि ये मतदान कर्मचारी हैं जो यहाँ से ये रवाना हो रहे हैं। साहेबगंज में जो तीन जो विधानसभा है, राजमहल, बोरियो और बरहेट, सुबह से ही मतदान कर्मचारियों को रवाना किया जा रहा है और साथ में सुरक्षा बल को भी रवाना किया जा रहा है। मतदान कर्मचारियों काफी उत्साहित हैं और हमें जो दायित्व दिया गया है उसे निष्पक्ष तौर पर और शांतिपूर्ण तरीके से हम उसे संपन्न कराएंगे। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित हैं, मतदान करने का हम लोग को मौका मिला, शांतिपूर्ण मतदान कराना है, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है, जैसा निर्देश मिला हम लोग को वैसा चुनाव हम लोग कराएंगे संपन्न। कहाँ पड़ा है आपका ड्यूटी? अनुटोला उधवा, मध्य विद्यालय अनुटोला। वहाँ देखे हैं आप कि आप पहली बार जाएंगे? नहीं देखे, हम लोग देखे नहीं है, पहली बार जा रहे हैं हम लोग। कितने उत्साहित हैं? एकदम उत्साहित हैं वोट दिलवाने के लिए। क्या क्या ले जा रहे हैं साथ में? साथ में ये CU, BU, VVPAT और जो इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित जो मटेरियल है वो सबको लेके जा रहे हैं। आज भी आप लोगों को ब्रीफ किया गया है? जी। आज क्या बताया गया? आज तो यहाँ सामान रिसीव करने के लिए बुलाया गया है, चुनाव से संबंधित जितना भी मटेरियल्स है उससे संबंधित हम लोग को बुलाया गया है और यहाँ से हम लोग रिसीव करके अपना जो बांटा गया है जिस बूथ के लिए, जैसे 342 है वहाँ जाएंगे। चलिए, तो ये मतदान कर्मचारी हैं, इनकी बातों को आपने सुना कि ये काफी उत्साहित हैं। हमारे साथ साहेबगंज के संवाददाता अरविंद ठाकुर भी है, इनसे हम बात करते हैं। अरविंद जी, किस तरह की व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर और जो तीन विधानसभा है वहाँ कितने मतदान केंद्र बनाए गए? जी, जहाँ तक राजमहल विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ कुल 383 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ की 294,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके भाग का फैसला करेंगे। बोरियो विधानसभा है, वहाँ 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ की 192,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बरहेट, जहाँ से कि JMM के मुख्य रूप से JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो वहाँ पर 246 है और वहाँ करीब 192,000। सुरक्षा का किस तरह व्यवस्था किया गया है, एसपी और डीसी ने क्या बताया था जो उन्होंने ब्रीफ किया था? जी, सुरक्षा जो दो तरह के जो बाहर से फोर्सेस आए हैं उनको तैनाती की गई है, गृहरक्षक को भी दिया गया है और यहाँ के जो जिला बल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और उपायुक्त ने कहा कि जो भी मतदाता है निर्भीक होकर करें, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और 5 पिंक बूथ जो है 5 बनाए गए हैं जहाँ के महिला जो कर्मी उनको किए, जैसे कि हमारे बगल में है, ये इनकी तैनाती महिला कहकर पिंक बूथ में की गई है। जी सोहन, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निलय भी जुड़े हुए हैं, दुमका से उनके पास चलेंगे। निलय, फिलहाल क्या मतदान कर्मी रवाना कर दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए अभी दो बार, एक बार शिकारीपाड़ा में और दूसरी बार काठी कुंड और दलदली जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, सुदूरवर्ती इलाका माना जाता है, वहां पे मतदान कर्मियों को यहां पे रवाना किया जा गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें भेजा गया है। और हमारे साथ हमारे यहां के प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार भी मौजूद है। मृत्युंजय जी, किस तरीके से भेजा जा रहा है, आप भी यहां सुबह से मौजूद हैं? देखिए, ये जो है ये नक्सल क्षेत्र में इन लोगों को ड्रॉप करना है, एयर ड्रॉप हो रहा है, हेलीकॉप्टर से इनको भेजा जा रहा है, क्योंकि जो बूथों पे होने जा रहा है वो सेंसिटिव बूथ है और ये 3 सेक्टर के करीब 45 मतदान कर्मी हैं जिनको कि वहां पे भेजा ड्रॉप किया जा रहा है। तो अभी तक आप देख ही रहे हैं कि 2 ट्रिप अभी लग चुका है और तीसरे ट्रिप के लिए लोग यहाँ पे अभी भी मतदान कर्मी खड़े हैं, इसके बाद ही ये लोग जाएंगे और उसके बाद पूरा डिटेल मिल पाएगा कि कितने लोगों को यहां से भेजा गया और किस तरह से यहां पे, जो यहां पे आप देख सकते हैं कि सब लाइन में खड़े हैं, यहां पे अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर फिर आएगा वो इन लोग, और यहां पे अधिकारी भी लगे जो कि मतदान कर्मी है सारे के नाम। कहा जाए तो लोकतंत्र का जो काम है वो आप ही लोग के माध्यम से होता है, कितना उत्साह है या बिल्कुल। तो हमने साहेबगंज और दुमका दोनों जगह की तस्वीरें भी बताई और दोनों जगह के सहयोगी से भी बात की और मतदान कर्मियों को सुरक्षित तरीके से उनके बूथों तक रवाना किया जा चुका है ताकि कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सके। सोहन और निलय, आप दोनों लोगों का सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।